सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोर व्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन Redmi Note 7 Pro और Xiaomi Mi A3 के बीच। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही फोन्स में हमें मिलता है 4GB का रैम, पर Note 7 Pro में हमें मिलता है Snapdragon 675, जहाँ पर Mi A3 में है Snapdragon 665। ऑलराइट, तो टेस्ट को शुरू करने से पहले हम दोनों ही फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाते हैं और यहाँ पर अबाउट फ़ोन में हम दोनों फ़ोन की एंड्रॉयड वर्जन को चेक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन में चल रहा है Android 9 Pie। दोस्तों ना हम स्टार्ट करेंगे दोनों फ़ोन की बूटिंग टेस्ट से, तो चले जाते हैं रिस्टार्ट स्क्रीन पे और दोनों फ़ोन को हम एकदम सेम टाइम पे रिस्टार्ट करेंगे इन 3, 2, 1 गो। ऑलराइट, तो जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है, तो नाउ देख लेते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले बूट होता है। दोस्तों जैसे आपने देखा Redmi Note 7 Pro पहले बूट हो गया है, पर कुछ ही सेकेंड के अंदर Mi A3 भी बूट होके आ गया। तो ना हम दोनों ही फ़ोन में स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, पर स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि दूसरे स्पीड टेस्ट की तरह आज भी हमारे पास है कुछ डेली यूजिंग और सोशल ऐप्स जैसे फ़ोन कैमरा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल मैप्स, Adobe Premiere Clip, जिसमें हम दोनों फ़ोन की GPU रेंडरिंग स्पीड चेक करेंगे, शॉपिंग ऐप्स जैसे Amazon और Flipkart, एक लाइटवेट गेम, दो हेवी गेम्स और क्लॉक ऐप, जिसमें हम पूरे टेस्ट के टाइम स्टॉप वॉच को चला के रखेंगे दोनों ही फ़ोन में। टेस्ट शुरू करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, दोनों में ही लोकेशन या फिर GPS ऑन है और दोनों फ़ोन की बैकग्राउंड मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशंस रनिंग नहीं है। तो हम अभी टेस्ट को स्टार्ट करेंगे क्लॉक ऐप में जाके और दोनों ही फ़ोन में स्टॉप वॉच को चला लेंगे। ऑलराइट, तो नाउ वापस चलते होम स्क्रीन में और चला लेते हैं फ़ोन ऐप। दोस्तों फ़ोन ऐप एकदम सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों फ़ोन में। नेक्स्ट है कैमरा। ओके, तो कैमरा ऐप भी अगेन नियर टू सेम है, पर थोड़ा पहले लोड हुआ Mi A3 में। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है ट्विटर। दोस्तों ट्विटर ऐप पहले लोड हुआ Mi A3 में। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अगेन दोनों ही फोन में एकदम सेम टाइम पे लोड हुआ। तो चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं फेसबुक। दोस्तों फेसबुक ऐप पहले लोड हुआ Mi A3 में, पर दोनों फ़ोन की फेसबुक ऐप लोडिंग टाइम में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो चले जाते हैं हम गूगल मैप्स पे। ऑलराइट, तो मैप्स पहले लोड हुआ Mi A3 में, पर हमारा एग्जैक्ट लोकेशन पहले आया Redmi Note 7 Pro में। ऑलराइट, तो वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं Adobe Premiere Clip और यहाँ पे हम दोनों ही फ़ोन में सेम 1 मिनट की क्लिप को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो क्लिप इंपोर्ट हो जाने के बाद हम चले जाएंगे क्लिप सेटिंग्स में और यहाँ से दोनों ही क्लिप को 50% स्लोअर कर देंगे। ओके, 50% स्लो करने के बाद यहाँ से बैक करके चले जाते हैं शेयर में और क्लिक कर लेते सेव टू गैलरी और अभी 1080p को सिलेक्ट करके हम दोनों फ़ोन की GPU रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू पर टैप करके इन 3, 2, 1 गो। ऑलराइट, तो जैसे आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन में GPU रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है। तो ना हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, पर आप ऊपर स्टॉप वॉच में देख पाएंगे दोनों फ़ोन की एग्जैक्ट रेंडरिंग टाइम। ओके, तो Note 7 Pro की Snapdragon 675 और Mi A3 की Snapdragon 665 एटलीस्ट GPU रेंडरिंग में ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे चल रहा है, पर Mi A3 ने सबसे पहले रेंडरिंग कंप्लीट कर लिया है, जिसके बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर Note 7 Pro ने भी रेंडरिंग टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो ना हम यहाँ से डायरेक्टली होम बटन पे टैप कर देंगे प्रीमियर क्लिप को बैकग्राउंड में रख के और हम चले जाएंगे सबवे सर्फर्स में। दोस्तों जैसे आपने देखा कि सबवे सर्फर्स पहले लोड हुआ Redmi Note 7 Pro में, जिसके बस कुछ ही सेकेंड के अंदर Mi A3 ने भी लोड कर लिया सबवे सर्फर्स। तो ना हम दोनों फ़ोन में एक मैच चला के डायरेक्टली होम बटन पे टैप कर देंगे गेम को बैकग्राउंड में पॉज रख के और अभी चले जाएंगे PUBG में। तो PUBG को चला लेते हैं इन 3, 2, 1 गो।
राइट दोस्तों, पबजी का मेन मेनू हमें पहले मिल गया है रेडमी नोट 7 प्रो में, जहाँ पर कुछ सेकंड के अंदर मी A3 ने भी लोड कर लिया है पबजी का मेन मेन्यू। तो ना हम यहाँ से पबजी को बैकग्राउंड में रख के होम बटन पर टैप कर देंगे, गेम को बैकग्राउंड में पॉज रख के, और चले जाएंगे हम अमेज़न ऐप में। ऑलराइट, तो अमेज़न पहले लोड हो गया मी A3 में। वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं फ्लिपकार्ट। ओके, तो फ्लिपकार्ट भी अगेन पहले लोड हुआ मी A3 में, पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों फ़ोन की फ्लिपकार्ट लोडिंग टाइम में। तो फाइनली चलाते हैं एसफोल्ट 9 और इसे चला के देखते हैं कि किस में पहले लोड होता है एसफोल्ट की मेन मेन्यू। दोस्तों, जैसे आपने देखा मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस की तरह एसफोल्ट भी पहले लोड हो गया मी A3 में, जहाँ पर अभी भी लोडिंग चल रहा है नोट 7 प्रो में। ऑलराइट, तो फाइनली मोर देन 20 सेकेंड्स या फिर मोर देन 25 सेकेंड्स के बाद जाके एसफोल्ट 9 लोड हुआ रेडमी नोट 7 प्रो में। तो यहाँ से हम एसफोल्ट को बैकग्राउंड में रख के चले जाते हैं होम स्क्रीन में, और यहाँ पर मल्टीटास्किंग विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे स्पीड टेस्ट के टाइम सारे एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रखे थे, ताकि अभी हम देख पाए दोनों फ़ोन में से किसकी रैम मैनेजमेंट है बेटर। तो रैम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं क्लॉक ऐप से, और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि स्टॉप वॉच अभी भी चल रहा है दोनों फ़ोन में। तो नेक्स्ट है फ़ोन ऐप, दोस्तों फ़ोन ऐप दोनों ही फ़ोन में रिस्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है कैमरा, ओके कैमरा ऐप भी रिस्टार्ट हुआ है दोनों फ़ोन में। नेक्स्ट है ट्विटर, ओके तो ट्विटर भी ओपन हुआ एक वाइट स्क्रीन से, जिसका मतलब है ट्विटर भी रिस्टार्ट हुआ है दोनों फ़ोन में। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम रनिंग है सिर्फ नोट 7 प्रो में, जहाँ पर मी A3 में इंस्टाग्राम रिस्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है फेसबुक, दोस्तों फेसबुक भी अगेन रिस्टार्ट हुआ दोनों फ़ोन में। नेक्स्ट है गूगल मैप्स, ओके मैप्स दोनों फ़ोन में रिस्टार्ट हुआ है। चले जाते हैं होम स्क्रीन में और यहाँ पर हम चला लेते हैं प्रीमियर क्लिप को, ओके प्रीमियर क्लिप भी रिस्टार्ट हुआ दोनों फ़ोन में। नेक्स्ट है सबवे सर्फर्स, ऑलराइट सबवे सर्फर्स की रिज्यूम ऑप्शन हमें दोनों में से किसी में भी नहीं आया, जिसका मतलब है अगेन सबवे सर्फर्स रिस्टार्ट हुआ है दोनों फ़ोन में। नेक्स्ट है पबजी, दोस्तों पबजी का मेन मेन्यू हमें दोनों में से किसी में भी नहीं मिला है, जिसका मतलब है पबजी अगेन रिस्टार्ट हुआ है। तो चलिए चलते हैं अमेज़न ऐप में, और अमेज़न रनिंग है सिर्फ मी A3 में, जहाँ पर नोट 7 प्रो में अमेज़न रिस्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट भी रनिंग है सिर्फ मी A3 में, जहाँ पर नोट 7 प्रो ने फ्लिपकार्ट को भी अपने मेमोरी से हटा दिया है। फाइनली चलाते हैं एसफोल्ट 9, और जैसे आप देख सकते हैं कि एसफोल्ट रनिंग है अगेन सिर्फ मी A3 में, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस की तरह रेडमी नोट 7 प्रो ने एसफोल्ट को भी रिस्टार्ट किया है। दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें परफॉर्मेंस की, देन दोनों फ़ोन की ऐप ओपनिंग टाइम में मुझे थोड़ा डिफरेंस लगा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मी A3 का ऐप ओपनिंग टाइम कुछ हद तक बेटर है। पर अगर बात करें GPU रेंडरिंग की, तो GPU रेंडरिंग दोनों फ़ोन में जैसे हमने देखा ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब एक या फिर दो सेकेंड्स का डिफरेंस हमने देखा सेम 1 मिनट की क्लिप को रेंडर करने के टाइम। पर अगर बात करें रैम मैनेजमेंट की, तो मुझे लगता है कि रैम मैनेजमेंट बेटर आपको मिलता है मी A3 में। पर ना आप नीचे कमेंट से बताएं कि रैम मैनेजमेंट या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको नोट 7 प्रो बेटर लगता है या फिर Xiaomi Mi A3। और दोस्तों यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।